भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की बद्दी में कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। इस कोर कमेटी में हम सब लोगों ने बैठ करके मार्च अप्रैल मई इन 3 महीनों का जो चुनाव का समय है इसका टोटल शेड्यूल हम लोगों ने तय किया है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने मोर्चों की 250 के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं करेगी और हिमाचल प्रदेश के 256 जो जिला परिषद हैं उस हर जिला परिषद में अप्रैल महीने में हम लोग कम से कम 2000 लोगों का एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, जनसभा करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, मिनिस्टर्स, एमपीस, ये सब लोग वहां पर मुख्य वक्ता के रूप में जाएंगे। इसके बाद जो पहला हमारा मई महीना शुरू होगा, मई महीने में हम लोग केंद्रीय नेताओं की रैलियां हिमाचल प्रदेश में करेंगे, जिसमें हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 बड़ी रैलियां केंद्रीय नेताओं की हों। ऐसा एक टोटल शेड्यूल हम लोगों ने बनाया है। घर घर जाने का, हम लोगों ने डोर टू डोर कंपेन करने का मार्च महीने में और अप्रैल महीने में हम लोगों ने तय किया है। और इनके साथ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं हिमाचल प्रदेश में उन कामों को जनता तक पहुंचाएगी। गांव और गरीब की जो उन्होंने चिंता की है, और 1.5 वर्ष से जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने जो बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम लेकर के नहीं आए हैं, और हिमाचल प्रदेश की हर गृहिणी के घर में एलपीजी का गैस का कनेक्शन हो और उसमें 83,000 महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए भी जा चुके हैं, ऐसी जनता के हितकारी नीतियों को हम लेकर के जनता के बीच जाएंगे ताकि चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से हिमाचल प्रदेश में जीते और नरेंद्र मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसा टोटल कंपेन हम लोग चला रहे हैं।